गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं, मतलब मैं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आज हमारी है एनिवर्सरी, मतलब अभी लगेगी। तो मैंने पूरा प्लान करा है, मैं केक वेक सब ले आया हूँ। मैंने पूरा प्लान कर रखा है ये कि नूर को फुल तिलसा देना है, फुल रुला देना है, उसकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करनी है। और एनिवर्सरी ऐसे करनी है जैसे मैं मना ही नहीं रहा या कुछ कर नहीं रहा। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्लान करा है रुलाने के लिए। तो रुलाना कोई आसान बात नहीं होता, बहुत सारी बातें ऐसी करनी पड़ती हैं कि इंसान रो जाए, किलस जाए। तो वो चीज़ मैं करूँगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा सरप्राइज़ दूँगा। केक लेकर आया हूँ छोटा सा, वो दूँगा, वो दिखाऊँगा। और एक सरप्राइज़ ये है जो मैं आज नहीं दूँगा, कल दूँगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ मैं आपको कल ही दिखाऊंगा। ये तो जो सरप्राइज़ है थोड़ा सा कर लिया छोटा सा, बाकी फरमाइशें तो बहुत सारी थी उनकी मैडम की, इसलिए मैंने कुछ करा नहीं ज़्यादा। तो बाकी सब मैं दिखाऊंगा आपको आगे की वीडियो में। तो आप मेरा किलसाना देखिएगा, मैं कैसे किलसाता हूँ। मतलब वो पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा सा दिखा सकता हूँ बस। तो आज हमारी एनिवर्सरी लग चुकी है और नूर को मैंने पूरा रुला चुका हूँ। बहुत ज़्यादा रो रही है वो अंदर लेटी हुई, मैंने किसी बात से रुला दिया। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, देखो अजीत भाई मेरा साथ दे रहे हैं और हमारी छोटी बहन भी साथ दे रही है इसमें। ये देखो और आके दिखाते हैं। Happy anniversary! कैसा लगा आपको? पूरा पूरा रुला चुका हूँ मैं अच्छी तरह से। मेकअप भी खराब हो गया तो चेहरे पे से, इसीलिए रुलाया था कि ये खुशी का मंजर था तो पूरा निखार आ चुके। ये देखो हालत, देखिए हालत एनिवर्सरी लम्मा देख रही है तुम्हारे ही। तो पार्टी डॉप तो निमट गया सब। छुरी छुरी सहला सहला आ रही है, दारी बड़ी आ रही है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बढ़िया मजाक था ये तो, बहुत ज्यादा मजाक था। चेहरा देख ना, जूम करिए थोड़ा सा, जूम कर। बहुत ही डेंजर एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। मैंने कुछ ज्यादा अच्छी कर दी, होनी चाहिए ऐसी रुलाने वाली। फूको फूको तो काटो ये बर्फ हो रखा, केक ही नहीं कर रहा, आइसक्रीम केक ही बर्फ हो गया ये। ये आज रख के मैं लेके रहा हूँ। ये देखो ये केक जो है आइसक्रीम केक है, अलग से बनवाया मैंने कुछ हटके। काट दो तो सही। हाँ उसमें आई है ऐसे ही होगा, इससे भी ऐसे खाने में मजा आता है इसको। बना देगी दिखाई के एक दिन पहले बना के रुक गई खा जाएगा एक दिन पहले तो बाल का पड़वा दो। तो ये ब्लॉग था फर्स्ट एनिवर्सरी, जलाने वाली एनिवर्सरी। इंसान को जला के राख कर दे और आँख में से आंसू निकल आए और अकेले अकेले मुंह मोड़ के पड़ जाओ, ये ऐसी एनिवर्सरी है। जिंदगी भर याद रहेगी फर्स्ट एनिवर्सरी, इसलिए ऐसा करा। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, मैं चाहता तो मैं करता नहीं, मगर मैंने ये करो बहुत ज़्यादा आग लगाने के बाद करना चाहिए, इसलिए अब ये एनिवर्सरी जिंदगी भर याद रहेगी। याद रहेगी मुझे नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी। कैसे
किधर हो रही है? किधर हो रही है? ये देखो इंसान की असलियत बिना मेकअप की। तो फिर भी फेस चमक रहा है। तो आप लोग बताना मैंने सही करा या गलत। मैंने तो अच्छा ही करा। कौन आ रहा है? बाकी किसका लग रहा है? जैसा मत लगे सबको। और बाकी बाद में देखा। क्या कह रहा भाई? भाई रोने की आवाज आ रही है किसी की? तुम्हें भी आ रही थी नीचे तक? नीचे तक क्या बोलोगे? मैं भी नीचे जाने वाला हूं। इस तरीके से रो रही थी। रो रही थी तुम्हारी भाभी है भाई। एनिवर्सरी मनाइए भाई। रो रोगे लानी रहूंगा। ये अरे गलत बात है तुम्हारी। एनिवर्सरी ऐसी थी कि सालों साल नहीं जिंदगी भर याद रहे। इसलिए ऐसी एनिवर्सरी मनाइए। ये देखो कितना बढ़िया हालत। देखो रो रो के बुरा हाल। ये देखो रो रो के बुरा हाल। तुम कहां की हो? मैं द्वारका की हूं। वो भी तो नहीं लगता पड़ोस में। द्वारका भी दिल्ली में लगता है मैडम। हां रो रोंदी भाई। गिफ्ट कहां है मेरा? क्यों रो रोंदी? गिफ्ट नहीं दिया बस इसलिए रो रही थी। पुराने होने के बाद कुछ नहीं मिलता है। अच्छा मैंने सिर्फ ब्लैक सूट मांगा था। मुझे ब्लैक सूट चाहिए। लो शादी का एक साल हो गया। मैंने ब्लैक कपड़े ब्लैक तो मातम में पहना जाता भाई। तो हमारे ब्लैक बुर्का पहने जाते हैं। वो बुर्का होता है। दुनिया को मार रही है सूट। और बोल दो दुनिया को मार रही हूं। एक इंसान अगले आके तुम से केक लेकर आता हूं उसको। मैं भाई बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं। ये पिघला भी नहीं। देखो इतनी मोहब्बत देखो तुम। एक देखो आइसक्रीम केक पिघला भी नहीं। टाइम पे नहीं पिघल रहा ताकि तुम लोग केक की खुशबू देखो इन तक पहुंच गई। ये भी मैं नीचे से आया हूँ। इनको तो वैसे रोने के बाद आ रही है। अबे यार कैसे आ रही है भाभी का केक कटने वाला है। आवाज़ें कैसे आ रही है रोने की भाई? कैसे बताऊं भाई? हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह के 12 बज गए और मैं तो 12 बजे उठा हूँ। वो बहुत पहले से उठी हुई है मैडम और इधर से उधर भिनकती फिर रही है क्योंकि ऐसा कुछ भी करा नहीं है। कुछ भी ज़्यादा प्लान करा नहीं है। रात को जो किलसाना था किलसा दिया, जो करना था कर लिया। उसके बाद आज कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ करा नहीं। और उनके घर से नूर के घर से कोई आ नहीं सकता था। कोई वजह थी, परेशानी थी, इसलिए आ नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने कुछ करा नहीं बाकी। और जो मैंने रात को गिफ्ट दिखाया था वो गिफ्ट अब मैं अलमारी में से निकाल रहा हूँ और वो दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका पारा हाई हुआ है मेरा गिफ्ट। इसलिए क्योंकि पारा हाई है, पारा को नीचे करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ना कर लूँ वही बेहतर है। नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। वाट जिसे बोलते हैं ना वाट, फुल वाट लग जानी है। तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। जितना किलसाना था किलसा दिया, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी देखेंगे रात को अगर कहीं जाना हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे एनिवर्सरी। तो गाइस मैं एक काम करूँगा, इसमें मैं करूँगा कैमरा सेट वही अपनी खुफिया जगह पर जहाँ से नज़र नहीं आता कुछ भी। तो वहाँ कैमरा सेट करके फिर थोड़ा सा मज़े लूँगा, किलसाऊँगा, फिर उसके बाद जो गिफ्ट देना है वो दे दूँगा ताकि थोड़ा सा मज़ा तो आए। जब एक साल मेरे किलसाइए तो एक दिन तो मेरे लिए भी सही जो किलसाना बनता है। ठीक है बाकी मैं कैमरा सेट करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने कैमरा यहाँ सही सेट कर दिया है बिल्कुल। और ये गिफ्ट जो है मैं अब छुपा देता हूँ, बाकी आगे का आप सब कुछ खुद देखना। ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया। क्या है? कहाँ हूँ? क्या है? देख नहीं रही कहाँ हूँ घर में। ये बाहर गई हूँ, बाहर ले गई हूँ मुझे कहीं पर। तो तुम्हें तो पता नहीं आज क्या है? क्या है 14 तारीख है? एनिवर्सरी हमारी। किसकी? मेरी तो नहीं है। क्यों? क्यों? हमारी एनिवर्सरी। नहीं मेरी तो नहीं, मैं तो नहीं मान रही। तुम मुझे कल लेके भी नहीं गए। तो तुम कुछ नहीं कर सकती थी? बिरयानी नहीं बनी है बिरयानी खाने के लिए बैठा हुआ मैं क्या? पर
तो यार रात को कराता हो तो थोड़ा सा तो बनता है यार। बेइज्जती कराई तुमने मेरी बहुत। ये तुम्हारा फोन है? मेरे ही फोन है। तुम्हारी बेइज्जती करवाई मैंने? तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो गई बताना जरा। ये बताओ बेइज्जती कैसे हो गई तुम्हारी? क्यों मेरे को रुला के तुमने केक काटा, सबको बुलाया है। अम्मी क्या सोच रही होगी कि मैं एनिवर्सरी की वजह से रो रही हूं? तो ये सरप्राइज था बेटा, सरप्राइज। ये सरप्राइज थी। मैंने तो कर भी लिया, तुमने करा कुछ? ये बताओ कल रात से ये दिन का टाइम आ गया। कल रात से ये दिन का टाइम आ गया, तुमने एक रुपए का भी कुछ कराया मेरे लिए अभी तक? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कभी कुछ नहीं किया। आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो एनिवर्सरी थी, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था ना। क्यों मैंने करा नहीं? अगर मैंने कुछ नहीं करा तो तुम तो कर लेते कुछ। तो मेरी गलती है, टेलर ने टाइम पे अपना काम नहीं किया तो मेरी गलती है। किसको देख रहे हो? क्यों देख नहीं सकता? मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था, टेलर ने टाइम पे नहीं दिया तो मैं क्या बता दिया टेलर ने? मेरे पास कपड़े वो थे कपड़ों के लिए, टेलर के टाइम। मेरे पास तो कपड़े नहीं है ना। मैंने दोबारा मेरे पास भी कुछ नहीं है, ना पैसे ना कुछ है, ना मैं दिलवा रहा हूँ। एनिवर्सरी खत्म, टाइम खत्म हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा, उसके बाद तुम एनिवर्सरी खत्म, फिर उसके बाद आज के बाद कभी भी एनिवर्सरी मत बनाने की बात याद रखना बात। ठीक है? देखो मैं बीमार चल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं दियो। मैं क्या करूँ, तबीयत खराब है तो कोई एनिवर्सरी तो कुछ भी कर लो, कोई एनिवर्सरी नहीं है। हाँ, कोई नहीं बना, मना लो जाओ। तुम कहते हो ना अभी तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे तो बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी, तो जाओ। हाँ ये डोले दिखाना, वो तो लगा शुक्र करो कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मजाक था, तुमने मुझे गुण दिलाया। मैंने कहा था एक ब्लैक सूट दिला दो, एक में एक, पता है यकीन मानो, सुनो, शादी को एक साल हो गए, इस साल में एक बार भी मैंने ब्लैक सूट नहीं पहना, एक बार भी नहीं। तो फिलहाल कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं करना, आप जाइए यहाँ से, खाना बनाइए, यही काम करिए, किचन में बैठे रहिए। आप क्यों बुलाया था मुझे वहाँ पर? कुछ भी नहीं, बस वो बुलाया था। चलो यार तुम भी क्या याद करोगी? मुझे कुछ नहीं याद करना, देख लिया तुम जैसे। तुम बात तो सुनो, मेरे को नहीं सुनना मुझे। फिर भी यार ये छोटा सा कुछ मिला था, ये ले आया था तुम्हारे लिए, देख लो। खाली डब्बा है कैसा है ये बताओ, बसरी बैठ, तुम ले का ये कैसा है बताओ? झूठ बोल रहा हूँ, मिलो सच में मिल रहा है, अम्मी को दिखा क्या? तुम किसी को भी दिखाओ उसको। तुम भी यार, रिंग भी है, मेरी उंगली मोटी है लेकिन आ जाएगी। अच्छी लग रही है ना? तो बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है तुम। क्या है गले की नहीं लग रहे हो? औरों के लिए भी गला लगना है ना मुझे, इसलिए जरा थोड़ा सा मजाक कर रहा यार, मजाक मजाक। आज के तो गले तो लगो, आज के दिन मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ये लो, बहुत प्यारे। अब रोना मत, बिल्कुल भी। लेकिन हम खाने पे चलेंगे ना शाम को, ट्रीट मैं दूंगी, तुमने मुझे तो महंगा गिफ्ट दिया है ना। तब अच्छा 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 चलेंगे 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 भाई चलेंगे, ठीक है। मेरी मम्मी को दिखा कर आओ। हां जाओ दिखा कर आओ, बहुत अच्छा है। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं जैसे गिलसाना चाहता था वो गिलस नहीं पाई फिलहाल। बाकी वीडियो को मैं यहीं पर ही रोक देता हूँ, और आगे देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो चीज़ आगे देखेंगे। मैंने उसको बताया नहीं कि कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहीं तक ठीक है यार, बस इतना काफ़ी है, थोड़ा बहुत गिलसा लो वो सही रहता है। अगर मैं ज़्यादा गिलसाऊँगा ना तो फिर मेरी वाट लग जानी है यार,
मैं वीडियो के चक्कर में आप लोगों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी वाट लगवा लूँगा, तो इतनी वाट लगवा सकता हूँ, काफ़ी है, ठीक है। और आगे की वीडियो दिखाऊंगा मैं। तो गाइज हम फाइनली किस में आ चुके हैं, सुल्तान रेस्टोरेंट आ चुके हैं। मैं इनको खाना खिलाने लेकर आया हूँ। अब तो खुश हो तुम, खाना खाना आई हो यहाँ पर? क्या तुम्हें खाना खिलाने लेकर आया हूँ, खुश हो ना? अगर उसमें से एक भी चीज़ इन्होंने मुझे खाने दी तो मैं बोल सकती हूँ हाँ खाने खिलाने। इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इनके साथ साथ कोई और भी आ रहे बड़े सेलिब्रिटी आए। हमने सरप्राइज दिया है और उन्होंने हमें पार्टी दी है। सॉरी सरप्राइज क्या, ये पार्टी दी है इन्होंने हमें, सरप्राइज तो खराब हो गया। मैं बताऊँ लास्ट टाइम जब इनको सरप्राइज देने की सोचा था ना तो उन्होंने धोखा दे दिया था, दे दिया था ना धोखा, इस वजह से पहले ही बता के हमने सरप्राइज दिया है। घर तक कुछ आ रही है ना, कोई बात नहीं होता है। और ये ना क्या नाम है, नेहा जूही और नरगिस, ये मैं सोच रहा कि मैं इन को पार्टी दे दूँ, आप लोगों को नहीं दूंगी। मैं बता रहा उनको, मन नहीं कर कल घर में ही जा रहे हो? मैं थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो छोड़ कर आ जाऊँगा, बस सिर्फ मार्केटिंग करनी हो। इसका जवाब देना है जूही को और अच्छा जवाब देना है। जू तो पार्टी वार्टी करते रहते हैं, क्या पार्टी की जरूरत? तो कोई तो मैं इन लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी अपना कीमती वक्त निकाल के। यू आर मोस्ट वेलकम। अनस ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आए हैं, ऑफिस से, तो आप इससे समझ सकते हो कि खाना पीना खा के खाना क्यों खा के आएंगे यार? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, तो अनस भाई हमारे लिए केक लेकर आए, हैप्पी एनिवर्सरी का। ये देखो मैडम भी वीडियो बना रही है। कैंडल्स लगाओ इस पे। हाँ हाँ बिल्कुल, माचिस है, माचिस साइड वाइन डालना, माचिस वाइन नहीं मेरे पास। ओ ये स्मॉल थिंग है, वो बात अलग है, बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते हैं मेरे पास नहीं है माचिस यार, सही पीते हैं चाची से पूछो कैसा केक है, उठा दो देना। नहीं Happy to you, शॉप समायरा तो है, समायरा आप खाओगे? केक खाओगी ना? केक खाओगी ना समायरा? कहीं जाओ नहीं। तो ये हिना इनके लिए छोटा सा केक लाई, बहुत मिनी सा, बहुत प्यारा सा। क्या है ये? तो जार है। वाओ जार केक, दिखाओ निकालो। जीरो डिग्री वाला, जीरो डिग्री मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जीरो डिग्री में भी मिलता है। तो ये हिना लेकर आई है अपने जीजू के लिए, बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू तो बोलो उनको। ये देखिए हमारे अनिस भाई सिगरेट लाइट, नहीं नहीं अल्लाह तो लाइट लाइटर लेकर लाए नीचे लड़कों से मांग कर। और हमारा खाना भी आ चुका है और ये माशाल्लाह कैंडल्स जला रहे हैं, हमारे कैंडल केक कटने की तैयारी हो रही है। तो मैडम खा पी के कुछ तेजी भाग रही हैं, बस जैसे खाने आएंगे अंदर। पेट लग गया? मैंने खाया ही खाया। ये सेलिब्रिटी लोग, इन दोनों को मैंने आइसक्रीम खिला दी है, अब अपने अपने घर जाओ। इन्होंने सचमुच आम लिया है और इन्होंने कौन लिया है, तो अब घर जाओ। अब समीर हमारे लिए ले रहे हैं, मैं पूरा चाट लेके बैठी हूँ। मुझे सबसे अच्छी लगती है ये वाली सचमुच आम और एक ये वाली। ये कौन सा स्ट्रॉबेरी? वाह समायरा, वाह।
आइसक्रीम खाने आए हैं चांदनी चौक। अरे हमारा मोहब्बत रहेंगे सबके साथ। आइसक्रीम खाओगी? तुमसे अच्छी आइसक्रीम मेरे पास है। मेरे पास अच्छी खाने वाली अच्छी है। ये नहीं खानी? कौन सी खानी है? ये समायरा वाली आइसक्रीम खानी है इसको। ये रिवर्स ने आइसक्रीम ले ली मैंगो रूल, उसके बाद करी वाली खानी है। ये वाली खानी समायरा वाली, ये वाली खा लो। अच्छा अच्छा ले रहा हूँ ले रहा हूँ। तो अब अनस भाई और मिस हीना सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ये मैडम को तो आइसक्रीम लेने में लगे हुए। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। बाय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं करना मैंने मतलब बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो आप सभी को एडवांस में रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ में याद रखना। तो क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बना रहे थे। और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं हमारी वीडियो बनाने से, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करके फिर भी हमने अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटा के कोशिश करी है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत वीडियो पसंद आए और बहुत सारा प्यार दें, मैसेज करें, कमेंट करें, हमें बताएं इनका गिफ्ट कैसा लगा। इन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया है, मैंने भी पहना नहीं है, बहुत प्यारा है। पहन के दिखाएंगे मुझे? पहन के दिखाऊंगी, ये इसमें आ नहीं रहा है, अभी मैं पहन के दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। ये देखो, तो अभी मैं पहन के आती हूँ, ऐसे भी सल जाएगा, जरूरी नहीं पहन के दिखाना। जब किसी अच्छी जगह पर पहना से दिया है तो मेरे को बनता है ना पहन के आऊँ। तो आपको एनिवर्सरी ठीक लगी है? हाँ, बट धूमधड़ाके से मनानी थी, बट किसी वजह से नहीं मनाया। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या वजह है। खैर, मैं उन लोगों को इग्नोर करना चाहूँगी, बट इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छी एनिवर्सरी मनाएंगे आने वाले टाइम पे, है ना? इंशाल्लाह। वक्त के साथ हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और कोई बात नहीं, शादी के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीख लिया है ससुराल में आके। तो शादी से पहले की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये तो है, शादी करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल। शादी से पहले लगता था बहुत आसान है, मगर शादी के बाद इस चीज में नहीं कि इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत अच्छा मतलब शौहर दिया है और बहुत प्यार करने वाला। मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह ताला ऐसा शौहर सबको दे। तारीफ कर रही हूँ और ये हकीकत है। तो मेरी सेट पहन के आप पहन। ओके, तो मैंने ये पहन लिए और ये लॉकी पैंडल सेट है ना, पैंडल सेट करते हैं ना, पैंडल सेट है। और इसके साथ की रिंग है, और मतलब एयरिंग्स है और पैंडल है और ये इसकी रिंग है। तीन चीज़ है, इन्होंने तीनों चीज़ एक काम में कर लिया, क्योंकि इनको अलग अलग देना पड़ता, बाले अलग, रिंग अलग, पैंडल अलग, तो इन्होंने तीनों में एक ही काम कर लिया। बस चालू है ये, लेकिन बहुत अच्छा मिला, मतलब अच्छा सरप्राइज है। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ, मुझे लगा चॉकलेट दे के टरका दे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 प्यारा था, बहुत अच्छा है और अच्छी है सब कुछ। और हम लोग रेस्टोरेंट गए थे सुल्तान, वहाँ पे हीना वीना आई थी सब, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर वहाँ से हमने चांदनी चौक गए, तो हमने आइसक्रीम वगैरह खाया, तो अपने ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा। तो वैसे आई मिस यू ऑल ऑफ यू, बहुत मिस किया है मैंने सबको, और दुआ में याद रखिएगा। और मैं कल घर जा रही हूँ अपने एक हफ्ते के लिए, क्योंकि हमारी अम्मी ने कहा है रोजों में घर नहीं जाना है, यहीं आना है, मतलब इससे पहले घर होया हो
और माशाल्लाह हमारी जो ननद है उनकी शादी है, तो अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, तो इसलिए हम अब शादी के बाद ही घर जाना, पहली वार्निंग दे दी गई है। तो मेरी छोटी वाली जो देवरानी वो तो चली गई संडे को, मैं आज कल जाऊँगी वेनेसडे को, तो बाय। मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। वैसे बहुत से लोग परेशान होंगे सेट देख के, सेट देख के परेशान मत हो, आर्टिफिशियल सेट है, कोई ऐसी नहीं, गोल्ड का है, आर्टिफिशियल है। अभी चली जाऊँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, अपनी औकात के हिसाब से मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत जो भी हो बहुत अच्छा दिया है, बस अल्लाह का शुक्र है, पसंद आना चाहिए। और हाँ मैं बता देती हूँ, मैंने इनके लिए ब्लैक कुर्ता पजामा लिया है, बहुत अच्छा, लेकिन टेलर ने मुझे दिया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब यहीं पर ही हम ब्लॉग को फिनिश करते हैं। नहीं फिनिश नहीं करते हैं, कल करेंगे, सुबह में अपने घर जाऊँगी, तुम छोड़ते हो जाओगे। नहीं नहीं यार, यही कर दो। नहीं चलो ठीक है, बाकी आगे के दिखाएंगे आपको। हम एक चीज़ खोलना भूल गए थे, गिफ्ट स्किना ने दिया है हमें, और हमें नहीं पता था उनका फ़ोन आया था अभी कि आपने देखा कि हमें याद ही नहीं रहा उन्होंने हमें कुछ दिया है, हम इसे खोल के देख रहे हैं, लिफाफा है, लिफाफा दिया है उन्होंने, बहुत सारे पैसे हैं ये तो। हेलो मैं दिखाती कितने सारे हैं, ये देखिए गाइस, इतने सारे पैसे दिए इन्होंने, माशाल्लाह। समीर इसमें से मेरी थप्पड़ मारूंगी, पैसे मेरे सारे नहीं, गलत बात है, मेरे पैसे इनमें से नहीं, ये मेरी हिना बहन ने दिए हैं, कितने हैं, एक दो हाँ, तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, गायब कर देंगे, मैं 50-50 लूंगी। देखो समीर, इसमें मेरा ना ईद का सूट आएगा, मैं बाबू नहीं हूँ, ये तो गलत बात है। देखो गाइस ये गलत बात है, ये मेरा हक है, ये मेरा बनता है, मेरी बहन ने दिया है, मेरी बहन ने दिया तो मेरा हक बनता। लाओ देख लो यार, पार्टी भी मैंने ही दी है वहाँ पे जाके है। अच्छा है, थैंक यू सो मच हिना, तुम कुछ कहना चाहोगे बोलो। ये इतने सारे देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो आप इतना कुछ दें, वो आपकी खुशी वाली बात है, आपने दिए अच्छी बात है, मगर कर्जा होता है ये, हमें भी देना पड़ेगा। तुमने क्यों अपनी बहन की आंखें फटवा दी मेरे वजह में। मैं मोटी हो रही हूं। ये देखो ये सब तो ये खा जाएंगी, ये बाद में जब आएगी पड़ेगी तो मुझको पड़ेगी वो। अब पड़ेगी क्या, उनका पेंडिंग गिफ्ट हमारे पास रह रहा है, मैं दिखा नहीं सकती, जब हम देने जाएंगे तब दिखाएंगे, यहीं पे रखा हुआ है सारा सामान, माशाल्लाह देंगे उनके भी हमारे जाने। जगह से मैं सो रहा था, हीना ने बेवजह फ़ोन करके, हीना से मैं बोल रहा हूँ फ़ोन पर, बता दो मुझे क्या है इसमें, लेकिन अच्छा है, थैंक यू सो मच हीना, बहुत खुशी हुई। अभी तो मैं कल घर जा रही हूँ, अपने घर पर भी लूँगी। तो गाइस हम सुबह सुबह सिटी में घूम रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, घूम नहीं रहे, मैं अपने घर जा रही हूँ द्वारका, मैंने आपको बताया था, इसी ब्लॉग में आपने देखा है, तो और सिटी वाकई में सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, और बस ये देखो कितना अच्छा लगता है। आश्रम से जाएंगे हम, सीधा सुराल जा रहे हैं सभी सालियों से मिलने। ये मुझे सुबह सुबह मुझे ये मूवी दिखाने लाए हैं, पीवीआर प्लाजा में। कौन सी मूवी लगेगी इतनी सुबह सुबह, तू झूठा मैं मक्कार। और हम इस समय सुबह सुबह सीपी में घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बहुत टाइम बाद आए यहाँ से, निकल के जा रहे हैं सीपी से, ये आ गया H&M मेरा, यहाँ से बहुत शॉपिंग करी है, यहाँ से H&M आ गया, और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा द्वारका। फाइनली हम घर आ गए हैं और मैं थक गई हूँ, अब मैं सोऊंगी और मैं घर जाऊंगा। नहीं अभी नहीं जाओगे, अभी नाश्ता होगा, अब थोड़ी देर एक लेटेंगे, उसे बोला भी नहीं जा रहा। मैं जितनी जल्दी घर चला आऊँ उतना अच्छी बात है, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अब भी और यहाँ का ट्रैफिक बहुत खतरनाक है।
नहीं उत्तम नगर तक होता है। बाकी हिना आ जाओ, हिना आ जाओ, हाँ मैं एक हफ्ते तक रहूंगी, छुट्टी लेकर आना अपनी। तो एंड करते हैं, और फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने विशेष दिए, सबने मुझे इंस्टा पे वो क्या कहते उसको विश किया है, सबको थैंक यू सो मच। तो अब यहीं से हम अलविदा लेते हैं, अलविदा अलविदा अलविदा, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ब्लॉग आए दूसरा भी जी, ये तो मैं आगे डाल दूँगी, आप लोग दुआ करिए हमारे लिए। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा गिफ्ट था, फिर नींद नहीं आई रात। अल्लाह हाफिज, बाय। ये आई हिना हिलती डुलती अकेली, कैसा रहा आपका सफर? मैं बहुत थक गई यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है आप। ओहो अर्शु के लिए चीजी आई है, अर्शु के लिए चीजी आई है, अर्शु थैंक यू कौन बोलेगा, अर्शु थैंक यू भी नहीं बोला। थक गई होंगी आप, कुछ लाई हमारे लिए खाने को? पोटैटो मंगाया था ना मैंने, चिल्ली पोटैटो खाली हाथ उठ के आना थी बस। आपके वो नहीं आए डोरीमोन? आपके लिए क्या है ये बताओ पहले। मैं तो जो लाना था कल ले आई थी सुबह, मैं 6 बजे आई सुबह, वो तो मम्मी के लिए आई होगी बस। बस डोरीमोन का आपका वो सेल्फ फ्लाइट का लेंगे शाम में, कल चली जाएगी आई? नहीं नहीं वो यहां आएंगे परसों चले जाएंगे। अच्छा स्टे करने आएंगे, फिर काम धाम नहीं गया उनको? ओके चलिए आई, बैठी चाय बनाई, मैं वेट कर रही थी आपका। लेकिन ना माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, इधर आना पूरा दिखाना, बहुत प्यारा लग रहा है सूट, मांगी हो सूट में तो माशाल्लाह सुंदर लगती है। ये मेरे को बात पे चढ़ा था, बात पे नहीं बरी पे, बरी बरी हमारे बात बोलते हैं, बात पे चढ़ा था मामा ने चढ़ाया था। अच्छा अच्छा मामा ने, तो वो बात हो गया, छोटा दिखाओ बोलो मामा भाई, बहुत प्यारा छूटा है। ये मतलब आया मैंने वो ना सारा खराब हो रहा था, तो ये मतलब लेके आई, तो मैंने एक बार में दो छूटे पहन लिए। बहुत अच्छी लग रही हो है ये, पायामा को